12% GST की वजह से कोई बाहर का बायर कोई माल ही नहीं ले। अगर कोई 20 बंडल मंगाता था तो अब 2-4 ही मंगा रहा है। हम जब खेलते थे, जब इकट्ठा करते थे पैसे, कोई GST नहीं होता था, कोई टैक्स का हमें पता नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। आज के टाइम पे बच्चा जो है वो टैक्स भी पे कर रहा है, सब कुछ पे कर रहा है। ये सब माल बना हुआ है, सब डम पड़ा हुआ है, कोई लेने को तैयार नहीं है। ये बल्ला क्रिकेट के ग्राउंड में चौके और छक्के की शक्ल में हल्ला तो खूब मचाता है, लेकिन इसके बनाने वालों की आवाज धीमी पड़ गई है। IPL, वर्ल्ड कप और इलेक्शन 2019 के चकाचौंध के बावजूद इस बल्ला बनाने वाले जो लोग हैं उनकी चमक फीकी पड़ गई है। यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं मेरठ। जी हाँ, मेरठ, जहाँ देश में सबसे ज्यादा बल्ला या कहें स्पोर्ट्स से जुड़ा सामान बनता है। एक बॉल की कॉस्टिंग एक सपोज आप लगाइए, एक आइडिया, रफली आइडिया लगा लीजिए, जो बॉल मतलब अराउंड हम लोग को 100 रुपीज़ के किसी ज़माने में पड़ती, किसी टाइम पर GST से बिफोर पड़ती थी, वो आज के टाइम में अराउंड 130-140 रुपीज़ के GST पड़ती है, जो हम लोग को कॉस्टिंग पड़ती है वो पड़ती है। वही जो कॉस्टिंग होती है वो आगे चल के बढ़ती है, बल्कि वो कस्टमर पर इम्प्लीमेंट होती है। भैया, GST की वजह से काम बिल्कुल ही मतलब कि कम क्या है, बिल्कुल बंदी सा ही हो गया है। 12% GST की वजह से कोई बाहर का बायर कोई माल ही नहीं लेता। अब टैक्स कम हो तो कुछ काम चले। ये सब माल बना हुआ है, सब डम पड़ा हुआ है, कोई लेने को तैयार नहीं। और ये लग्जरी आइटम तो है नहीं, बच्चों का छोटा चीफ का आइटम है, तो इसलिए कोई ना ये ज़रूरत का सामान है कि ज़रूरी खरीदा जाएगा। तो इस पर जैसे 12% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो उसमें अगर कुछ छूट होती, सस्ता होता तो कुछ फ़ायदा हो जाता, नहीं 5% में रखती गवर्नमेंट से। जब हम और आप खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे बचपन में, जो बच्चे खेलते थे, तो सारे बच्चे मिलकर पैसे इकट्ठा कर मतलब क्रिकेट बॉल्स वगैरह लेके आते थे, खरीद के आते थे। तो वो जो देखिए आज के टाइम पर जो इफेक्ट पड़ा है, वो जो GST लगी है, वो टैक्स कौन भर रहा है? वो बच्चा ही तो भर रहा है जो भर रहा है। हमारे पास जो पहले जो लेबर काम करती थी, एम्प्लॉयज़ काम करते थे, अराउंड 120 के आसपास लेबर काम करते थे, लेकिन GST के बाद इतना फ़र्क पड़ गया है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ गया कि हमें वही लेबर घटा के अराउंड 40-50 बंदे रखने पड़ गए हैं। वो लेबर को हम लोग 12 रुपये सपोज पीस का एक देते थे, बॉल का कोई भी स्टिचिंग का या किसी चीज़ का, अब उस चीज़ को भी बढ़ाकर हम लोगों ने 15-17 रुपये करे कि लेबर को इशू ना आए। जो इम्प्लीमेंट हुआ GST का हर चीज़ पर, खाने पीने की चीज़ों पर, वो फ़र्क किससे पड़ा है? गरीब आदमी को। पहले हमारे पास काफ़ी लेबर थी, अब GST लगने के बाद अब बिल्कुल फैक्ट्री खाली पड़ी हुई है, जो बना हुआ है माल बना पड़ा है, आगे हम कुछ बना ही नहीं रहे हैं क्योंकि सेल नहीं है। IPL के सीज़न के टाइम पे हम लोगों का क्या होता था, ये बड़ा रश का टाइम होता था, हम लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी। हम लोग काफ़ी ब्रांड्स का काम करते थे, कुछ सारे ब्रांड्स आते थे प्रमोशन के लिए, उन लोगों के आइटम्स बनाए जाते थे। मतलब इस टाइम जो है, जो काम होता था मैंने 2 साल पहले, अब जो है बिल्कुल काम नहीं रहा, जब से GST आया है बिल्कुल वो 10% रह गया है जो रहेगा। तो इस टाइम तो स्कूलों के चल रहे हैं, जो UP गवर्नमेंट ने कुछ स्कूलों को किया है, उनके वो टेंडर निकाले हैं, वो लोग बैट मेरठ से खरीद के सप्लाई कर रहे हैं, और IPL या वर्ल्ड कप से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। एक तो उन्होंने कहा था कि सब्सिडी वाला पैसा मिलेगा, वो भी नहीं मिला, ज़मीन मिलेगी वो भी नहीं मिली, क्योंकि ज़मीन है नहीं, वो देंगे कहाँ से। चुनाव तो मुद्दों के दम पे ही होने चाहिए, मुद्दे जो चुनावी मुद्दे वो होते नहीं, सब कोई भी पार्टी विकास की या मुद्दों की कहाँ बात करती है, सब अपनी अपनी बात करती है। हिंदू मुस्लिम राजनीति जो भी है, ये धार्मिक मुद्दे हैं, भावनाओं के मुद्दे हैं, इस तरह के हैं, विकास, हाँ इन्हीं पे चुनाव होता है, विकास का कोई मतलब नहीं, कारोबार हो, नौकरी हो लोगों की, इस पर हो। 2019 लोकसभा चुनाव में किसका बल्ला बोलेगा, कौन सत्ता की कुर्सी पर पहुंचने से पहले ही रन आउट हो जाएगा, और कौन अपनी ही गलतियों से हिट विकेट, ये फैसला तो कैंडिडेट की फील्डिंग और वोटर मतलब जो थर्ड अंपायर होते हैं उनके फैसले पर निर्भर करता है।
बाकी राजनीति के इस खेल के हर अपडेट को जानने के लिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ जुड़े रहिए।